पूरे बच्चों को मिला के नजम इसकी सबसे पहले यही है, जब हम इस तरह से शुरू करते नहीं खेलो सीखो तो पूरे पहली और दूसरी के बच्चे मिलाकर इज्तिमाई दायरे में रहते हो। ओके, इज्तिमाई दायरा देखो, इज्तिमाई दायरे में क्या है, महिला लोग वो है बच्चे खड़े हुए, यहाँ पे बच्चे खड़े मतलब ये गीत आता, दूसरा है बछड़ा, यहाँ पे ये दूसरी तख्ती है, ये लोगों का मतलब है बच्चों को उर्फों की पहचान कराना, उर्फी तख्ती है, तीसरा है इसराइल में ब्रश, इसका मतलब है यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, तस्वीर तस्वीर दी गई रहती है हमारे दसवीं किताबों में, उसमें सिर्फ रंग भरना। चौथा है बेल के पास आस पास में कौन दे, दो चूहे, इसका मतलब मुकालेंगे, कन्वर्सेशन लगभग, इसके बाद फायदा हमारे पास कार्ड्स रहते वो बच्चों को कराना है। और यहाँ पे है मोंट, मोंट का मतलब है कहानी, मोंट का मतलब है कहानी, अगर कार्ड पे ये वाले दो बच्चों का लोगो है तो इसका मतलब है ये गीत है, पूरे बच्चे एक साथ गाएंगे, इसका मतलब भी है कुल्फी लगती, कुल्फी लगती है ना, लोगो का मतलब समझना हो क्या रहता है जाते हुए चुने तो आसान रुकाने में, और ये तो सबसे पहले शुरुआत में पूरे बच्चे इज्तिमाई ग्रुप में से, तो सबसे पहला कार्ड है इस्तेमाल, ईद का तो बड़ा है जी से दुआ है, तो हम पूरे बच्चों अच्छा को एक दिन दो दिन तीन दिन इस्तेमाल ग्रुप यानी जो हम लोगों ने बनाए रहते नहीं उसके गोल के रात को ये बच्चों को कहलवाना। थोड़े बच्चे जल्दी सीख लेते, जब हमारे पास आठ बच्चे हैं उनमें दो बच्चे तो जल्दी सीख लेते, एक दिन दो दिन में सीखते, तो जैसे ही वो बच्चा सीख लेता तो दूसरे तीसरे दिन मालूम होता कि ये बच्चे को एक कार्ड आ गया, मतलब ये बच्चा वो एक उदाहरण पढ़ा है अपनी नजम बता रहा, तो उसका इंद्राज क्या करना है, हमारे यहाँ क्या नाम बेटा बच्चे का, पूरा चाहिए दो दो तीन तीन दिन नहीं रहते, एक दिन या दो दिन में बच्चा नज़म सीख लेता है।
छोटे छोटे हैं वो, जल्दी सीख जाते, आसान नहीं हो जल्दी सीख लेते। तो दूसरे या तीसरे दिन ना हमारे साथ दो या तीन बच्चे पहले दायरे में आते हैं। तो पहले दायरे में जैसे ही आती तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लोगों, क्या आता किताब, किताब जैसे ही किताब आती तो बच्चे को क्या करना दर्सी किताब देना, वो दर्सी किताब लेकर बच्चे के साथ हमें दूसरे दायरे में बैठना। अब ये दर्सी किताब में क्या है, मश्क है, क्या है वो किताब के सफ़े के नीचे बाफायदा से सहलकार के लिए हिदायत को लिखे हुए रहते। सहलकार कौन है यहाँ पे, टीचर, हमें सहलकार है तो वो सफ़े को कैसे हैंडल करना उसमें बाफायदगी से हिदायत देते हुए लिखे गया था। बच्चे को एक बार दोहराए, दो बार दोहराए, हाथ पकड़ कर लिखाए, बुलंद आवाज से पढ़ाए, वो हिदायत देखे तो हमें ऑटोमेटिक वो सफ़े को करा सकते। तो हमारे साथ चार पाँच बच्चे वहाँ पे है, बाकी के बच्चे कहाँ हैं, पहले दायरे में, बाकी के बच्चे इज्तिमाई ग्रुप में है, नजर पड़ रही, दो बच्चे वहाँ पे है बस। ओके, तो ये उर्दू का हो गया पहले दिन का। अब दूसरे दिन क्या होता, दूसरे दिन भी सेम आते ही मौसम की जानकारी होती, बच्चे खेलते, वापस में बच्चे इज्तिमाई कार्ड में है वहाँ पे खेलते और दो चार बच्चे हमारे पास है। तो एक बार उनको प्रैक्टिस करना, देखना कार्ड आ रहा तो बच्चा क्या करता, ये जो लोगो है नहीं किताब का वहाँ पे निशानदेही डाल के नेक्स्ट पेज में चले जाओ। ओके, तो उस दिन के 80 मिनट के ब्रेक में कोई बच्चे इतने शार्प रहते कि एक दिन में दो से तीन या चार पांच कार्ड भी आसानी से पढ़ लेते। तो बच्चे जैसे जैसे कार्ड पढ़ते जाता तो वो बच्चे को दायरे में आगे भेजते जाना, पहले मुअल्लिम का कार्ड है, सेकेंड दो बच्चे पढ़ लिए तो नेक्स्ट दायरे में चले देते, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स रहते, उनके फ्रेंड्स मिल के डिस्कस करते रहते पढ़ते। अगर टाइम मुश्किल पेश आ रही तो आप उनकी थोड़ी बहुत हल करना, हमारे पास इतनी बड़ी तैयार नहीं है, जैसे लगा स्कूल 80-80 बच्चे रहे, हमारे पास चुनिंदा बच्चे है, 7 या 8 दोनों क्लास को अगर मिलाए तो 20 बच्चों से ज्यादा नहीं हो सकते। तो सब पे नजर रहती ऑटोमेटिक, हमारी सब पे नजर रहती। तो हम देख लेना उसके बाद क्या है, हम लोग वहाँ पे रहते, वो बच्चा वहाँ पे पढ़ता, तो इस तरह की पहली जमात भी है, पहली क्लास भी है, पहला उर्दू का वक्फा खत्म हुआ। उर्दू का वक्फा खत्म होने के बाद में पहले हमें सब बच्चों में देख लेना कि उर्दू के वक्फे में तमाम बच्चों की इंदिराज हुए या नहीं हुए, ये देखो। ये पहली उर्दू की क्लास खत्म हुई, दूसरी क्लास कौन सी शुरुआत होती, इल्म-ए-रियाज़ी में अगेन मौसम की जानकारी, इंदिराज नहीं है, गीत कराना नहीं है, डायरेक्ट क्या है दूसरी क्लास बच्चों को डायरी शक्ल में खड़ा करते हुए तुम्हारे तुम्हारे कार्ड्स जानते हुए लेको स्टार्ट कर सकते। जुलाई का पूरा मतलब अब नेक्स्ट जुलाई के 10 दिन या 15-20 दिन थोड़ी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती, बच्चे नहीं समझते रहते, बच्चों को कार्ड्स लेने नहीं आते रहता, उनको लोगों नहीं समझ में आते सब, और हमारे दायरे में बैठे रहते तो उनको थोड़े आसानी से हफ्ते तक उनको क्या करना बैठाने में ही ज़्यादा वक्त आगत दिए, तो नेक्स्ट का पूरा साल क्या है हमारा आसानी से गुजरता है, बच्चा खुद कर लेता, खुद पढ़ता, अपना इंदिराज खुद कर लेता, खुद आगे जाता, बस हमें कहाँ बैठे रहना, कितना नंबर कार्ड हमारा एक या दो, पहले पहले कार्ड में पहले दायरे में हमें बैठ को रहना, इसी तरह इल्म-ए-रियाज़ी, इसी तरह माहौलिया, ये वक्फा ये हो गया क्लासरूम को चलाने का तरीका। इसमें डाउट है क्या भी नहीं क्या है मतलब ये नहीं मौसम की जानकारी नहीं है, वो पेलोसी को गीत नहीं है, क्या नहीं, अगर कुछ आप एक्टिविटी करा मतलब बच्चे पढ़ पढ़ को कौन में हुआ, आप डायरी शक्ल में खड़ा करो क्या भी एक नजम बोल सकते हो, बोलने के बाद शुरू कर सकते हो, आप पूरा लंबा अगर प्रोसेस करते रहे तो नेक्स्ट की क्लासेस हमारे क्या हो गई उसको बनने के चांसेस है। क्या बोल रहे थे ना, हमारे कुछ नहीं है,
मेरे अगर नहीं है तो गला दर्द गलन में भी है गलन नहीं है हां सर क्या बात सुनने के लिए हां मैं बस है मैं सेंड कर देती हूं हां आप ड्रॉप्स ले लो सर को चार घड़ी में एक शायद नहीं है ये सभी कुछ भी नहीं है तो पीडीएफ पूरे फॉर्म के मेहमान में शेयर कर दिया कि शायद अलग का अलग कर लो मामले को नीचे लिखे से मामले तैयारी होगी उसमें क्या डाउट है तो आप आराम से बोल सकते हैं उसके बाद और एक बार डिस्कस करेंगे।